we'll see सो so, ये वाला जो अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल है ना इसको ही मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रही हूँ ना मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे हेयर ऑयल यूज़ करना इतना पसंद नहीं है बिकॉज़ मेरी जो स्कैल्प है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली है एंड जब भी मैं हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ मुझे पिम्पल्स हो जाते हैं एंड मेरी जो स्कैल्प है ना एकदम ऑयली ऑयली एंड स्वेटी हो जाती है बट इस प्रोडक्ट के साथ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं होता बिकॉज़ ये एकदम नॉन ग्रीजी एंड नॉन स्टिकी है तो जैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ ये एकदम मेरे स्कैल्प में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड मुझे फील ही नहीं होता कि मैंने कोई ऑयल भी लगाया है तो गाइज़ अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पिछले एक साल से मैं यही प्रोडक्ट क्यों यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें है अनियन एंड ब्लैक सीड एंड अनियन तो आप लोगों को पता ही होगा गाइज़ कि हमारे हेयर के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है हमारी जो न्यू हेयर ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है एंड जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है ना उसको भी स्टिमुलेट करता है तो काफ़ी अच्छा होता है अनियन नाउ गाइस हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि घर पर जो अनियन है उसको हम काट के उसका जूस निकाल के लगाएँ और वैसे लगाना भी नहीं चाहिए बिकॉज उससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है सो so, उस केस में गाइस आप इस ऑयल को ट्राई कर सकते हो मैं खुद भी ट्राई कर रूँ एंड आज तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है एंड इसमें अनियन एंड ब्लैक सीड के अलावा भी इसमें है कैस्टर ऑयल होबा ऑयल ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल्स तो गाई बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है ये एंड गाइस मैं इसको यूज़ कैसे करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से ऐसा पम्प फॉर्म में है तो काफ़ी ईजिली आप इस प्रोडक्ट को निकाल सकते हो ऑयल को आप निकाल सकते हो उसके बाद जैसे मैंने ऑयल ले लिया उसके बाद मैं अच्छे से अपने हाथों में ऐसे मसाज करते हुए ऑयल को ऐसे ऐसे करती हूँ जिससे कि ना ऑयल गर्म हो जाए थोड़ा सा वॉर्म हो जाए एंड देन मैं अपने फिंगर टिप्स की मदद से बहुत ही हल्के हाथ अपने बालों पर लगाती हूँ जिससे कि मेरे जो ब्लड सर्कुलेशन है स्कैल्प का वो अच्छे से स्टिमुलेट हो एंड देन फिर मैं पूरे बालों को आगे कर लेती हूँ एंड देन अगेन मैं अच्छे से अपने स्कैल्प को मसाज करती हूँ एंड जितना बच जाता है उतना फिर मैं अपने सारे बालों पे लगाती हूँ और गाइस ऑयल को हमेशा आपको हेयर वॉश करने से एक घंटे पहले ही लगाना है उसके बाद आप वॉश कर लेना ओवरनाइट नहीं रखना इससे आपका जो हेयर फॉल है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज जब हम रात को लगा के से सो जाते हैं ना तो उससे खींच लगता है एंड और ज्यादा हेयर फॉल होता है सो so, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्टेप जो कि है शैम्पू एंड कंडीशनर नाउ ये कंडीशनर एंड शैम्पू जैसे कि मैंने बताया अब दो हफ्ते पहले आए थे मेरे एंड तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड एज यू कैन सी कि काफ़ी हद तक ये खत्म हो चुका है एंड मैं इसको खत्म होने के बाद मैं डेफिनेटली परचेस रीप परचेज करने वाली हूँ सो लेट्स टॉक अबाउट द शैम्पू फर्स्ट सो पैकेजिंग की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छे से बॉटल में आती है एंड इसके साथ ना गाइज आपको एक सेफ कैप भी मिल जाता है जो कि आप इसको लगाने के बाद ट्रैवल भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लीक वगैरह कुछ नहीं होगा तो वो मुझे काफी अच्छी लगी इस दिन ये आया था मैंने इसको यूज़ किया था उस दिन से ही मैंने एक्चुअली में रिजल्ट देखा था इसमें जो लिखा हुआ है ना कि इट हेल्प स्ट्रेंद सॉफ्ट एंड एंड री स्टोर शाइन तो ये एक्चुअली में ये करता है बिकॉज जिस दिन मैंने यूज़ किया था तो सिर्फ और सिर्फ मैंने शैम्पू किया था मैंने कोई कंडीशनर नहीं लगाया था एंड मैंने फील किया कि मेरी जो हेयर क्वालिटी है ना वो काफ़ी बेटर दिखने लगी थी एंड इसमें भी है रेड अनियन सीड ऑयल ब्लैक सीड ऑयल एंड प्रो विटामिन बी फाइव सो काफ़ी अच्छा है हमारे बालों के लिए एंड इसको आपको यूज़ कैसे करना है जैसे आप अपना नॉर्मल शैम्पू लगाते हो वैसे ही आप लगाओ उसके बाद आपको दो से तीन इसको रखना है अपने बालों पे एंड देन आपको वॉश कर लेना है दैट सेट उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने इसके साथ कंडीशनर भी अप्लाई किया एंड देन मेरे बालों को ऐसा लग रहा था कि मैंने हेयर स्पा कर रखा है बिकॉज दिस कंडीशनर इज जस्ट कंसिस्टेंसी व्हाइट कलर में है एंड थोड़ी सी रनिंग uh, है तो काफी अच्छे से आपके सारे मेहनत like, करने की जरूरत नहीं है दो से तीन मिनट तक रखना है उसके बाद ही आपको वॉश करना है एंड और एक चीज guys कंडीशनर को आपको स्कैल्प में नहीं लगाना है लाइक like, इसमें प्रॉपर अच्छे से मैंशन किया हुआ है कि आपको आपके स्कैल्प में नहीं लगाना है जस्ट आपके स्ट्रेंड्स पे लगाना देन गाइज आप कोई भी हेयर ड्राई मत करो आप एयर ड्राई में ही आप देखोगे कि आपके हेयर जो है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हो गए एंड इन तीनों का कॉम्बिनेशन तो मुझे जस्ट अमेजिंग लगा लाइक अगर मेरे बालों पे वर्क कर सकता है तो, तो फिर ये किसी भी बालों पे वर्क करेगा बिकॉज मेरे बाल तो बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड फ्रिजी है और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज ये जो प्रोडक्ट्स है ना अगर इनकी ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी है तो वाओ के सभी प्रोडक्ट्स के पीछे गए से क्यू ऐसा कोड है क्यू स्कैनर टाइप का है तो इसको आप स्कैन करके

आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए एंड जब तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो शेयर करो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पे न्यू हो तो सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई एल सी माई नेक्स्ट वीडियो बाय